तीन वर्षाच्या आत मध्ये तुम्ही असतील, खासदार साहेब असतील, अन्य कोणी आमदार असतील, नगरसेवक असतील, जिल्हा परिषद सदस्य असतील, पंचायत समिती सदस्य असतील, कृषी उत्पन्न तपासणी समिती सदस्य असतील, यावेळी जर तोरण हटवली नाही तर आमच्या गावीमध्ये तुम्ही मत बघायला यायची। नमस्कार, आदाब। आइए बात करते हैं भिवंडी शहर में टोरेंट पावर की। पिछले दो महीने से देखने में आ रहा है भिवंडी शहर में टोरेंट पावर के विरोध में लोग एक एक करके खड़े होते जा रहे हैं, और इसमें ख़ासकर भिवंडी शहर से लगकर जो ग्राम पंचायतें हैं वहाँ के लोगों का सहभाग ज़्यादा है, क्योंकि भिवंडी शहर की राजनीति में जितने लोगों ने टोरेंट के साथ धरने मोर्चे का मामला किया वो सारे लोग मैदान से हट चुके हैं। या तो वो मैनेज हो गए या तो वो टोरेंट का कुछ बिगाड़ नहीं सके। बहरहाल एक बार फिर टोरेंट पावर के विरोध में, टोरेंट पावर की जो बिलें आती है ज़्यादा आती हैं या टोरेंट पावर का जो मनमानी कारोबार है उससे नाराज़ होकर लोग एक के बाद एक मैदान में आते जा रहे हैं। इसी कड़ी में 14 तारीख को भी एक मोर्चा निकला था और आने वाले दिनों में 21 तारीख को भी एक मोर्चा निकलने की तैयारी में है। बहरहाल 14 तारीख के मोर्चे में आए हुए जो लोग थे उन्होंने सरकार से अपनी मांग तो रख दी, टोरेंट से भी अपनी मांग रख दी, मगर लोगों की नाराज़गी अभी भी दूर नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं बिजली बिल से लोग परेशान हैं। बहरहाल इस मोर्चे में एक नारा ये भी उठा है कि ग्राम पंचायत सदस्य, सरपंच, नगर सेवक, आमदार, खासदार, 1.5 साल चुनाव का बाकी है, अगर टोरेंट को भगा नहीं पाए तो इन्हें अपने क्षेत्रों में दाखिल होने नहीं दिया जाएगा और इन्हें वोट भी नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे में आइए सुनते हैं कुंदन पाटिल ने क्या कहा इसी संबंध में। मैं खान फखरे आलम। आज मी सर्व जनतेच्या वतीने बोलतोय, आज पासून तुमची विधानसभेची निवडणूक किती वेळ आहे तुमच्याकडे? 1 वर्ष? नाही, निवडणूक 3 वर्ष आहे, तुम्हाला 1.5 वर्ष कालावधी आहे। 3 वर्षाच्या आत मध्ये तुम्ही असतील, खासदार साहेब असतील, अन्य कोणी आमदार असतील, नगरसेवक असतील, जिल्हा परिषद सदस्य असतील, पंचायत समिती सदस्य असतील, कृषी उत्पन्न तपासणी समिती सदस्य असतील, यावेळी जर टोरण हटवली नाही तर आमच्या गावीमध्ये तुम्ही मत बघायला यायची। आपल्याकडे मत बघायला यायची?